हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग सब? आज विजय, हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज? आज मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो घूमने जा रहे हैं। ये देखो, ये ऊपर का मेट्रो है। अभी थोड़े टाइम में हम लोग आप लोग को दिखाएंगे अंडरग्राउंड मेट्रो बॉम्बे का। फर्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करूँगा अंडरग्राउंड। ये हमारे घर के पास ही है, मरोल से। मरोल से लेके कहाँ तक? मरोल से विजय बीकेसी तक है। और ये एयरपोर्ट वाला रास्ता है। एयरपोर्ट यहाँ से मतलब एक डेढ़ मिनट का मतलब ऐसा वॉकिंग डिस्टेंस है। और यहाँ पे हम लोग जहाँ पे चल के जा रहे हैं वहाँ पे अंडरग्राउंड मेट्रो है। तो जब भी आपको आना है तो यहाँ पे आना चाहिए, नज़दीक है। कभी कभी मुंबई में ट्रैफिक हो जाती है ना, तो आपको ईजी पड़ेगा। अंडरग्राउंड मेट्रो हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ट्रैफिक बहुत कम हो गया, मतलब आपको ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ेगा। आप जाओगे 10 से 12 मिनट में बीकेसी पहुंच जाओगे, जो आपको ट्रैफिक में एक डेढ़ घंटा लगता था। और 80 रुपया रिटर्न है मरोल से भी। आप लोग को कभी भी आना होगा तो ये मरोल नाका मेट्रो स्टेशन है। मरोल नाका मेट्रो स्टेशन के पास ही सामने ये है अंडरग्राउंड मेट्रो। तो कभी आपको जाना होगा तो बीकेसी मरोल नाका उतर के अंडरग्राउंड मेट्रो से बीकेसी। ये एक्वा लाइन है यहाँ से बीकेसी के लिए भी। आपको जब भी आना है मरोल नाका मेट्रो स्टेशन आना है, ऊपर से उतर के ये पास में ही है। ये मेरा दोस्त विजय खड़ा है, हम दोनों आज जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। जय श्री राम। ये खाली खाली तो लग रहा है क्योंकि अभी नया स्टार्ट हुआ है ना, ज़्यादा लोग आए नहीं। क्या बोलते हैं, उस दिन गया था भीड़ था। ये है हमारा टिकट काउंटर। बीकेसी जाना है। अभी हम लोग ले लिए टिकट, ले लिए और नीचे जा रहे भाई। ऑलरेडी हम लोग नीचे आए और नीचे जा रहे कितना नीचे जाएगा ये देखो भाई लोग, देखते हैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा आता है। मैं टिकट कहाँ गया, ये देखो ऐसा मिलता है, ये बारकोड स्कैन करना पड़ता है। तेरा कहाँ है? ओ शाबाश, अभी देखता हूँ। यहाँ पे आएगी भाई मेट्रो, अभी नया स्टार्ट हुआ ना तो कुछ भी नहीं दिखता भाई। अभी नया स्टार्ट हुआ ना तो लोग दिख नहीं रहे, बट आएंगे धीरे धीरे सब, धीरे धीरे लोग आना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी एक एंट्री है। यहाँ पे नेटवर्क फुल है भाई, फुल नेटवर्क है। हम लोग एक फ्लोर आए नीचे, हमें लगा कि वहाँ पेपर और नीचे था। अरे जेबीएल यार, अपने को कहाँ जाना है? अपने को बीकेसी राइट। राइट ना? हाँ पक्का। हाँ ये देखो फुल कैफे पर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वाइब है। यहाँ से है ना ये सिप से भाई, यहाँ से भी चालू होता है? नहीं नहीं यहाँ से नहीं। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, देख ना सिप से MIDC मरोल नाका। अरे MIDC का भी चालू हो गया? वाह। हाँ पर चालू नहीं हुआ ना। हाँ MIDC तो अभी ये पूरा चालू होएगा तो मजा आएगा। ये पूरा चालू हो जाएगा ना, बहुत मजा आएगा। ये खाली अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम। ये देखो मेट्रो आ गया। 100% जीतानी चाहिए, जीताना चाहिए। और कुछ नहीं, हमारा लाइफ कितना इजी कर दिया इसने। ऐसा लग रहा है लंदन यूरोप वाला, पूरा यूरोप वाला फील। यूरोप से ज्यादा अच्छा फीलिंग।
ये देखो फील, दरवाजा पासून दूर उभे रहा, ये देखो दरवाजा से दूर हटकर रहे, प्लीज स्टैंड क्लियर ऑफ द डोर्स। ये भाई पूरा यूरोप वाली फील है, पूरा यूरोप में जो फील है ना अभी इंडिया में वैसा फील है। अभी देखो 1 से 1.5 मिनट भी नहीं हुआ, 1 मिनट भी नहीं हुआ, दूसरा स्टेशन भी आ गई। ये दिखाता हूँ आपको, दूसरी स्टेशन भी आ गई। आपको ऊपर ट्रैफिक में ये होना पड़ता था, पर अभी 1 मिनट में दूसरा स्टेशन भी आ गई। ये भाई इंडिया, नया इंडिया है, ये सार रोड है। ये देखो फुल फुल फेल है, दूर हटकर खड़े रहे, प्लीज स्टैंड क्लियर। ये देखो हम लोग बहुत तेज जा रहे, बहुत स्पीड है मेट्रो में, पर कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है। अभी लोग बहुत कम है और बहुत स्पीड है। ये सांता क्रूज मेट्रो, सांता क्रूज हाईवे पे ये दूर हटकर खड़े रहे। T1 भी आ गए भाई, सब 40 सेकंड 1 मिनट के अंदर सब कवर हो रहा है। अभी स्टार्ट हुआ है ना तो लोग कम है, पर धीरे धीरे आएंगे सब, क्योंकि ट्रैफिक से उधार हो जाओगे आप लोग। इतना स्पीड है ना भाई, 30-30, 40-40 सेकंड में हम लोग T2 से T1 आ रहे, बहुत स्पीड है। देखो 1 मिनट लिखा है, इन 1 मिनट बस भाई। तुझे सच बताओ बहुत खतरनाक फील है भाई। पहली में फर्स्ट टाइम आया था तो मैं खुद हिल गया था, मैं बोला था पहुंचा है बाहर देश में आ गया तो बाहर गांव वाला फील है भाई। लोग आपको सबको आके एक बार ट्राई करना चाहिए और मतलब बैठना चाहिए और आपको पता चलेगा हमारा देश का प्रगति कितना हुआ है, खतरनाक वाला प्रगति, बहुत अच्छा ग्रोथ है। अभी देखो एग्जैक्ट 30 से 40 सेकंड नहीं हुआ, अभी दूसरा स्टेशन भी आ गया। ये कौन सा ये देखो दूसरा स्टेशन भी आ गया, एयरपोर्ट टर्मिनल वाला रोड। एग्जिट बीके सी में, ये एग्जिट हो गया हमारा बीकेसी में। अभी हम लोग जाएंगे बाहर बीकेसी में, थोड़ा सा बाहर का देखते कहाँ निकलता है ये। और हम लोग एग्जैक्ट 8 से 9 मिनट के अंदर आ गए थे, तो बाकी चीज़ आपको बाहर को दिखाता हूँ। ये हम लोग एग्जिट किए बैंड्रा में, बीकेसी में एग्जिट कर लिए भाई। काम चल रहा है और थोड़ा सा भाई, एक बात बोलूँ, इतना मज़ा आया ना, एक्सपीरियंस बहुत तगड़ी था। और एक बात बताता हूँ, हम लोग को मरोल से बीकेसी आने में जितना टाइम नहीं लगा उतना टाइम मेट्रो से बाहर आते थे इतना टाइम लगा, मतलब बहुत स्पीड है भाई, बहुत खतरनाक स्पीड है। यहाँ पे जियो मॉल है भाई, ये देखो बस जा रही है, लंदन वाली बस। यहाँ पे भी ये एक्वा लाइन वाला मेट्रो स्टार्ट हो रहा है अभी, ये भी सब काम चल रहा है सब कुछ। ये देखो काम चल रहा है एक्वा लाइन का मेट्रो का काम, तो फिर पूरा मुंबई में मेट्रो हो जाएगा अंदर से, आपको कहीं से भी जाओ नज़दीक पड़ेगा, ट्रैफिक का कोई टेंशन ही नहीं भाई, मज़ा आएगा। यहाँ पे पास में ये जियो मॉल, ये बीकेसी है, और यहाँ पे पास में सब वॉकिंग डिस्टेंस में है। अगर बीकेसी आप उतरोगे तो वॉकिंग डिस्टेंस में ये अपना जियो मॉल,
मोरल से आना है तो 10 मिनट एग्जैक्ट हम लोग को गिन भूल गए थे, दूसरी जगह निकल आए हम लोग भाई, भूल गए थे दूसरी जगह चले आए, उतरना था कॉलोनी में, पहुंच आए बांद्रा कोटक में, तो गलती हो गई भाई। गलती क्यों है पता है? क्योंकि एसी का हवा खाने लग गए थे तुम लोग, देखिए चारों बट एक चीज़ अच्छा क्या हुआ पता है तुम लोग को? जानकारी हो गई ना? हाँ जानकारी हो गई, सबको बता दोगे कि जानकारी हो गई। यहाँ पे खाली है बट हमारा पीछे है लोग है। ट्रेन कितने टाइम में आने वाली है विजय? 2 मिनट में आएगी, 2 मिनट तक आ रही है, 1 से 2 मिनट के अंदर आ जाएगी। आ गई आ गई। इसने इसके दिमाग में एक आइडिया बोल रहा है, इतना बड़ा मेट्रो खोदा है इसका मट्टी कहाँ लेके गया ये पूछ रहा है। काफ़ी लोग हैं भाई, हम लोग आने के टाइम में कम लोग थे बट अभी काफ़ी लोग आ गए। यहाँ से आपको समझेगा कहाँ कहाँ जाना है क्या है। इधर कौन सा मेट्रो है? पूरा ये कहाँ कहाँ, अरे थाने तक भी है बाबा। नहीं रे भाई, थाने का अलग मेट्रो है, मतलब जॉइंट होता है। जॉइंट होता है। हमारा सफर खत्म हो गई आज बट हम लोग मोरम इलाका नहीं उतर रहे। कहाँ उतर रहे विजय? सहार रोड उतरेंगे, देखते हैं एग्जिट कहाँ से। नलेश तो मिले कहाँ से, कहाँ भी उतरे भाई क्या। अरे सहार रोड का निकाल दो। ये हम लोग एग्जिट कर चुके सहार रोड। ये देखो भाई इंडियन फ्लैग का फील। सहार रोड में एग्जिट हो गई हमारी। ये देखो इसको फोटो ही खींचना है। ये सहार रोड का अभी सब काम थोड़ा सा चल रहा है और थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ये एयरपोर्ट जाता है ये रास्ता। तो मिलते भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। बहुत अच्छा लगा आज पूरा अंडरग्राउंड मेट्रो का ये देख के।